स्कॉर्पियो जिसकी टेस्टिंग चल रही है फुल पावर फुल जोरों शोरों से मनाली में थार और एक्सयूवी के साथ, जो नई एक्सयूवी लॉन्च होने वाली है उसके साथ, तो जो नई स्कॉर्पियो है वो लॉन्च हो जाएगी जुलाई और अगस्त में, जुलाई या फिर अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगी। तो क्या नए अपग्रेड्स आ रहे हैं, क्या नए फीचर्स आ रहे हैं और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं स्कॉर्पियो में पुरानी स्कॉर्पियो से, आज उस बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो स्कॉर्पियो जिसकी इतनी जोरों शोरों से टेस्टिंग चल रही है मनाली में और काफ़ी हाईवेज़ पे, सभी हाईवेज़ पे इंडिया में उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है स्पाइड इमेजेस आई, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और लोग काफ़ी स्केप्टिकल है उसको लेके। लोग कह रहे हैं कि पुराना डिज़ाइन ही अच्छा था, नए डिज़ाइन में वो बात नहीं है, या वो गाड़ी जो है ख़राब हो गई है, गाड़ी का लुक ख़राब कर दिया है, पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो थी वो लेजेंड थी, नई वाली स्कॉर्पियो जो है ख़राब हो गई है, इसमें नए चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं। तो अगर बात करें अपग्रेड्स के मामले में तो क्या क्या नए अपग्रेड्स आए हैं गाड़ी में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। तो सबसे पहले ओवरऑल प्रोपोर्शन जो है गाड़ी का वो बदल चुका है, गाड़ी जो है बड़ी हो चुकी है। तो स्कॉर्पियो जो है साइज़ में बड़ी हो चुकी है, ओवरऑल लेंथ गाड़ी की बढ़ चुकी है, विड्थ जो है गाड़ी की बढ़ चुकी है। हाइट के मामले में भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पुरानी स्कॉर्पियो पहले से ही बहुत ऊँची थी, तो इस बार हाइट में क्या चेंज आया वो ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, लेकिन ओवरऑल जो लेंथ है वो गाड़ी की बढ़ चुकी है। तो जैसे आप देखते थे थर्ड रो में जो पैसेंजर सीट में जो लेग स्पेस था वो कम होता था, लेकिन अब जो है उस पर काम किया गया होगा क्योंकि सफारी जो है वो अच्छे लेग स्पेस के साथ लॉन्च हुई है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा भी गाड़ी की ओवरऑल जो है लुक को चेंज करते हुए लेग स्पेस को बढ़ाया गया है। ओवरऑल जो है लेंथ गाड़ी की क्योंकि बढ़ गई है तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ी में जो है बॉडी रोल भी कम हुआ होगा क्योंकि एक नए प्लेटफॉर्म पे आ रही है गाड़ी, एक नए आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगी, इसीलिए गाड़ी की टेस्टिंग यू नो हर तरह के टेरेन में हो रही है, साउथ में भी हो रही है, पहाड़ों में भी हो रही है, ख़राब रोड पर, अच्छी रोड पर, हाईवे पर, हाई स्पीड में, लो स्पीड में, हर चीज़ में जो है गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है क्योंकि एक नए प्लेटफॉर्म पर जो है गाड़ी लॉन्च होगी। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स से इस बार गाड़ी यू नो लेस होने वाली है फुल। जो थार में हमने फीचर्स देखे वो सब फीचर्स भी इसमें हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमको ऑफ रोडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टायर प्रेशर रिलेटेड और बाकी जो स्टैट्स होते हैं ऑफ रोडिंग के रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड मैकेनिकल स्टैट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमको इस बार फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। जो ओवरऑल कम्फर्ट है गाड़ी का उस पर काम किया गया है, गाड़ी को और प्रीमियम लुक देने के लिए काम किया गया है, इसीलिए इतना मॉडर्न टचेज जो है हमको देखने को मिल रहे हैं गाड़ी में। स्टेयरिंग में इस बार माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लोटिंग जो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा अराउंड 8 इंच का जो है स्क्रीन होगी उसमें, और आपको जो है एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। 6-speed ऑटोमेटिक और 6-speed मैनुअल दोनों में गियर बॉक्स में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार कंफर्ट के मामले में काम किया होगा, एक नए प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार राइड क्वालिटी और अच्छी हो गई होगी गाड़ी की। बम्प्स में जैसे बहुत अच्छे से बम्प्स को जो है संभालती थी स्कॉर्पियो, लेकिन जो बॉडी रोल था जो उछलती थी गाड़ी हाई स्पीड में जो कम स्टेबल थी वो उस चीज़ पर भी काम किया गया होगा। जो फर्स्ट स्कॉर्पियो थी वो सेफ्टी के मामले में भी उसमें जो है उसको कुछ रेटिंग खास नहीं मिली थी, सेफ्टी के मामले में बहुत वीक थी क्योंकि जो गाड़ी का ए पिलर था वो बहुत वीक था, तो इसीलिए उस चीज़ पे भी काम किया गया होगा। इस बार जो है एकदम स्टैंडिंग ए पिलर नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हम दूसरी एसयूवीज़ में जिस हिसाब की रेटिंग देखते हैं इस बार सेफ्टी पे काफ़ी काम किया गया होगा महिंद्रा ने, क्योंकि इस टाइम पे जिस टाइम पे टाटा और बाकी मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ 4 और 5 स्टार रेटिंग पा रही हैं एनकैप रेटिंग में और बाकी जगह जो भी सेफ्टी के टेस्ट होते हैं, तो महिंद्रा को भी इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा क्योंकि लोग अब जो हैं क्वेश्चन करने लगे हैं बिल्ड क्वालिटी को और गाड़ी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को, इसीलिए जो यू नो और बाकी सारे और इसीलिए जो है फीचर्स पे काम किया जा रहा है। और अगर बात करें तो इसमें हमको बाकी सारे जो सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स हैं, जो भी एडवांस फीचर्स महिंद्रा ऑफर कर सकता है, ABS, EBD, ESP और लेन असिस्ट और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो फ्रंट की अगर बात करें तो इस बार फ्रंट की ग्रिल में हमको डिफरेंस देखने को मिला है, एक बड़ी ग्रिल हो गई है, इसमें हमको क्रोम ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इस बार ग्रिल है वो आगे की फ्रंट की बड़ी हो चुकी है, जो लाइट्स है उसमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं, सी शेप की जो है हमको LED फॉग लैम्प देखने को मिल रहे हैं इस बार गाड़ी में। ओवरऑल प्रोपोर्शन जो है लुक भी जो है वो गाड़ी का थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गाड़ी वाइड हो गई है, इसलिए वो जो SUV और वो जो जीप टाइप का रगेड टाइप का स्टांस था गाड़ी का वो चला गया, वो एक मॉडर्न SUV हो गई है, एक सोफिस्टिकेटेड टाइप की गाड़ी जो एक बिजनेसमैन चला सकता है, ऑफिस लेके जा सकता है, अब लॉन्डे लपाटो देसी आदमी और मजबूती और वो वाला जो लुक आता था ना, वो वाली जो फील आती थी गाड़ी की वो नहीं, अब कंफर्ट, मॉडर्न, स्टाइलिश, एक्सपेंसिव, ये वाली फील है, ये वाला लुक है गाड़ी का।
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि मतलब क्या नई नई स्कॉर्पियो अच्छी होगी या पुराने वाली अच्छी थी, या पुराने वाली मेंटेन रखनी चाहिए, नई वाली के साथ दोनों बिकनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है गाड़ी को देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद अगर टेल गेट को ध्यान से देखें तो टेल गेट जो है पुरानी स्कॉर्पियो से बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि गाड़ी बड़ी हो चुकी है। तो उसमें जो LED टेल लाइट्स हमको देखने को मिल रही है वो काफ़ी बड़ी वाली टेल लाइट है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने देख रहा था, बैठ के आराम से ऑब्जर्व कर रहा था, तब मुझे समझ में आया कि जैसे हमने स्कॉर्पियो में देखा कि ऊपर रिफ्लेक्टर होता था, नीचे छोटी सी LED होती थी, कुछ उसी तरह का डिज़ाइन जो है इसमें हमको देखने को मिला है, इसी तरह का डिज़ाइन होगा। हालांकि उसको पूरा ढका हुआ है, लेकिन उसकी शेडो से और पीछे जो शेप है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसी तरह का होगा। ऊपर हमको स्पॉइलर देखने को मिलता है, जो बम्पर वम्पर का डिज़ाइन है वो सब बदल चुका है फ्रंट में और बैक में दोनों में। कहा जा रहा है कि नए अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे, पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि इन जैसी SUVs में लोग अपनी अपग्रेड्स भी कर लेते हैं। तो अगर कंपनी अच्छे अलॉय व्हील्स नहीं देगी तो लोग लगवा लेंगे, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर इंजन की बात करें तो इंजन हमको 2.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन M-Stallion जो है वो देखने को मिलेगा, और टर्बो डीजल इंजन 2 लीटर का जो है वो देखने को मिलेगा, जो हमने थार में देखा, जो शायद हम XUV में देखे, अभी कुछ पता नहीं है कौन सा इंजन आएगा। तो वही इंजन हमको इसमें देखने को मिलेंगे, हालांकि हॉर्स पावर जो है 15 या 10 हॉर्स पावर आराम से बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि इतना तो अपग्रेड देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए महिंद्रा को। सेम इंजन सेम पावर आउटपुट के साथ लॉन्च कर देंगे तो फ़ायदा क्या है, बस फीचर्स के लिए आप इतने लाख पे करोगे या इतना वेट करोगे, तो पक्का है कि पावर बढ़ेगी। अब 10, 15 या 20 कितने BHP बढ़ती है ये देखना है। तो इस बार अगर इंटीरियर के बारे में बात की जाए तो इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा वाला एडवांस वाला प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि और गाड़ियों में कॉम्पिटिशन में भी बहुत अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिले हैं। तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको उसमें देखने को मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है अपर वेरियंट में, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके बाद बात करें तो पैनोरमिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी गाड़ी में, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकती है XUV में, तो देखने को मिलेगी, इसमें कोई कुछ पता नहीं है। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो और जो डिटेल्स रिवील होती है वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट में मुझे बताना जो जो मैंने पूछा आपको क्या लगता है स्कॉर्पियो के बारे में, अच्छी भी रहेगी, मज़ेदार भी रहेगी, या क्या मज़ा आने वाला है कि नहीं, कि पुराने वाली का नाम खराब कर देगी नई वाली, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।